अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज। नजर डालते हैं आज की न्यूज पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, जर्मनी के शहर म्यूनिख में G7 का सरबराही इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडेन समेत ग्रुप में शामिल सातों ममालिक के सरबराह रहनुमा इजलास में शिरकत के लिए जर्मनी पहुंच चुके हैं। इजलास शुरू होने से कबल ही मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमों और इंसानी हकूक के हामी दीगर अफराद ने शहर में जमा होना शुरू कर दिया था, जहाँ इन्होंने मिलकर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। हिंदुस्तान के अंदर और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों और दीगर अकलियतों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ भारतीय अकलियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और इमारत के सामने मुजाहिरा करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन के एहतजाज का मकसद G7 में शामिल तरक्की याफ्ता और ताकतवर ममालिक की तवज्जो उन मजालिम की तरफ दिलवाना थी, जो कि भारतीय हुकूमत अपने मुल्क में मौजूद दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद खुसूसन भारतीय और कश्मीरी मुसलमानों पर ढा रही है। मुजाहिरे में सिख, कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में पाकिस्तान, खालिस्तान और कश्मीर समेत दीगर झंडे उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि G7 में शामिल ममालिक भारत में अकलियतों पर होने वाले मुजालिम को रोकें और भारत के खिलाफ ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जिनसे कि भारत अपने मुल्क में आबाद मुसलमानों और दीगर अकलियतों पर किए जाने वाले मुजालिम से बाज रहे। महविश सफर, ब्यूरो चीफ, 39 न्यूज, HT बर्लिन, जर्मनी। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसों से मुस्तफीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें Facebook पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।